सबको जय यीशु सुखी प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों नव जीवन जीवन का संदेश फिर शीर्षक के अंतर्गत आज का जीवंत तो वचनों को सुनने के लिए उस पर मनन चिंतन करते हुए उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज सोमवार है अगस्त की इक्कीस तारीख है और आज का दिन का मुख्य विषय है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा ये सवाल मैं समझता हूँ एक व्यक्ति को लेकर जीना है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा क्योंकि इस दुनिया का जीवन मेरा अंत होगा एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति का जीवन का अंत होगा यह शरीर जिसको हम सजाते हैं संवारते हैं अनेक प्रकार से हम इसको तंदुरुस्त रखने के लिए हट्टे कट्टे रखने के लिए सुंदर रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, ये शरीर यह मिट्टी से बनाया हुआ पुतला मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन तब मैं कहाँ जाऊँगा सवाल यह है दो विकल्प बाइबल बताता है एक स्वर्ग है एक नरक क्या मैं स्वर्ग जाऊँगा या नरक जाऊंगा ये डिपेंड करता है किस प्रकार का जीवन मैंने इस धरती पर व्यतीत किया है स्वर्ग जाने लायक जीवन या नरक जाने लायक जीवन नरक जाने वाला जीवन जीने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है जो भी सही है अच्छाई है उसके विपरीत जीवन बिताना होगा असत्य के मार्ग पर अंधकार के मार्ग पर घृणा देश ईर्षा जलन के मार्ग पर हर प्रकार के गलत कार्यों में अंधविश्वास में जाना होगा आराम से इंसान जाएगा नरक लेकिन ईश्वर की ओर से निर्धारित लक्ष्य वो नहीं है ईश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य यह है कि हर कोई व्यक्ति अपने इस दुनिया के जीवन के बाद उस अनंत जीवन जीने के लिए स्वर्ग धाम में पहुंच जाए यह लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए ये व्यक्ति प्रभु के पास आके दौड़ता हुआ आया और प्रभु से पूछता है गुरुवर भले गुरु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं यानी कि मैं इस दुनिया में बर्बाद नहीं होना चाहता हूं दुनिया के चीज़ों के पीछे व्यक्तियों के पीछे दुनिया के कार्यकलाप में रहते हुए बर्बाद नहीं होना चाहता हूं मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ और अब तक मैंने बहुत सारी तैयारी की है और आगे मुझे क्या करना है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तो जब प्रभु से पूछा प्रभु ने पूछा मुझसे क्यों पूछते बात और वो व्यक्ति बोलता है मस मैं अनंत जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ उसको हासिल करना चाहता हूँ तो प्रभु ने कहा अगर तुम गंभीर हो सीरियस हो तो ये काम करो और ये सीरियस काम है सीरियस काम क्या है अपनी सारी धन दौलत गरीबों को बांटो आज्ञाओं का पालन करो और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो विचार मत करो चोरी मत करो झूठी गवाही मत दो मत करो अपने माता पिता का कर, आदर करो सम्मान करो अपने कर्तव्यों की ईमानदारी से करो सच्चाई के मार्ग पर चलो ये सारी बातें जब प्रभु ने बताया वो तुरंत उत्तर देता है इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ अब मुझसे और क्या रह गया है प्रभु ने उसको देखा ध्यान पूर्वक और प्रभु से कहा में एक बात की अभी भी कमी है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद अमीरी है इसको सब त्यागो सब कुछ छोड़ो गरीबों को दे दो बांटो और मेरा अनुसरण करो मेरा अनुसरण करना हो खाली होकर इन सारे दुनिया से तुम जुड़े हुए हो पैसों से अमीरी से पद से प्रतिष्ठा से मान सम्मान से कुर्सी से उससे इससे सब त्याग दो और उसके बाद आके मेरा अनुसरण करो स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी प्रभु कहता है लेकिन ये व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष उसके सामने उड़ेल दी इस बात को समझ नहीं पाता वो इसी बात को सोचता है मेरे पास ज़मीन है जायदाद है पैसे है ऐश है आराम है नौकर चाकर है मैं इन सबको किस को दूँ क्यों दूँ वो नहीं तैयार होता है प्रभु की बात को नहीं सुनता है उदास होकर चला गया क्योंकि इतनी सारी बातों को त्यागना नहीं चाहता जिसका नतीजा यह हुआ जिंदगी भर यह व्यक्ति उदास रहा होगा एक पल के लिए उदास होना था सब कुछ त्यागना था जिंदगी भर आनंद मनाना था लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं था उदास होकर चला गया इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से प्रभु मुझे और आपको भाइयों बहनों हम सबों को ये सिखाता है मुझे देखना है मेरे अंदर कौन सी कमी है कमी है तो कितनी सारी कमियां हैं कितनी प्रकार की कमियां हैं उन सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझे बताया आज के दिन में इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर कमी है उसको दूर करो और जब तक हम इस कमियों को नहीं पहचानेंगे दूर नहीं करेंगे तब तक स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते प्रभु यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों के सामने रखता है स्वर्ग राज्य प्राप्त करना हो अनंत जीवन प्राप्त करना हो तो उसमें बाधा बनने वाली सारी चीज़ें सोच विचार आदत संगति शक्ति व्यक्ति सबको दूर करो और तुम्हारा दिल प्रभु में टिखाए रखो प्रभु पर भरोसा रखो प्रभु पर विश्वास रखो सबको छोड़ के प्रभु के अनुसरण करो और तुम्हारे लिए अनंत जीवन प्राप्त होगा प्रभु ये बात बताता है भाई बहनों बहुत सुंदर बात प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखी आइए हम सभी मनन चिंतन करें आज के दिन में इस बात पर सोचें विचार करें प्रभु ने मुझसे क्या कहा है इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रभु से कृपा मांगे शक्ति सामर्थ्य मांगे प्रभु मुझे आपकी इस बात को गहराई से समझा दे ताकि मैं इन वचनों को समझ सकूं इसके अनुसार आचरण कर सकूं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्ग धाम का हकदार बन सकूँ और ये आ, प्रार्थना प्रभु से हम करें आइए हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के जीवंत वचनों के लिए जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने उन सबों के सामने बहुत बड़ा संदेश रखा है स्वर्ग राज्य के बारे में हमें रोजगार किया हमारे सामने संदेश रखा इस संदेश के अनुरूप वो जीवन बिताने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर इस दुनिया का जीवन हमारा ऐसा हो जो जीवन हमें इस दुनिया के बाद स्वर्ग ले जाने वाला जीवन हो और इसमें बाधा डालने वाली जो भी बातें सोच विचार आदतें शक्ति या व्यक्ति हमारे जीवन में है उसको त्यागने के लिए दूर रखने के लिए हमें कृपा शक्ति सामर्थ्य हिम्मत प्रदान कर जिससे कि प्रभु इन सभी बातों को दूर रखते हुए आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अनंत जीवन का हकदार बनने की कृपा हम सभी प्राप्त कर सकें दुआ करते हैं उद्धारकर्ता है ये मसीह के नाम से आमीन